गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? ऐसा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं आ गई हूँ अपनी न्यू वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपका अपनी वीडियो में वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं पूजा कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले जो मेरे पूजा के बर्तन होते हैं, पीतल तांबे के जो बर्तन होते हैं, मैं उन्हें क्लीन कर देती हूँ। तो ये क्लीन मैं सुबह ही कर देती हूँ जब सभी पूजा करते हैं। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड पूजा करते हैं, उनसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नहला देती हूँ और ये तांबे के और पीतल के जो बर्तन हैं उन्हें साफ़ करके रख देती हूँ। वो जल्दी से पूजा करके चले जाते हैं। फिर जो है मेरे भैया जो देवर हैं वो पूजा कर लेते हैं। फिर तीसरा नंबर मेरा आता है पूजा करने का, तो मैं सबसे बाद में पूजा करती हूँ क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, उनका लंच बॉक्स तैयार करना, बहुत सारे काम सुबह के हो जाते हैं मॉर्निंग के। तो उसके बाद ही मैं अपनी पूजा की तैयारी करती हूँ। पूजा करने के बाद धरती माता को स्पर्श करके उनका भी आशीर्वाद लेना चाहिए क्योंकि धरती माँ हमारी सबसे बड़ी होती हैं। इनका भी हम आशीर्वाद लेते हैं तो हमारी पूजा सफल हो जाती है। तो मैं पूजा ऐसे ही करती हूँ।
पूजा करने के बाद अब करेंगे हम खाने की तैयारी। तो खाने में मैंने बनाई है आलू मटर टमाटर की सब्जी। ये बहुत ही अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है ये सब्जी। और ये साथ में अचार जो होता है मूली गाजर मिर्च का, ये मैंने अचार बनाया है, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। खट्टा खट्टा इसका टेस्ट होता है, तो इस सब्जी के साथ जब हम खट्टा खट्टा अचार खाते हैं बहुत ही अच्छा लगता है। और बच्चे मेरे स्कूल से आ गए हैं तो मेरा ना काम इतना हो जाता है कि सुबह का काम करते करते इतना टाइम हो जाता है कि बच्चे स्कूल से भी आ जाते हैं, जब तक मैं खाना नहीं खा पाती हूँ। तो फिर बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो सबसे पहले फिर उन्हें खाना देती हूँ, फिर बाद में हम खाना खाएंगे। तो ये मेरे इस मॉर्निंग के रूटीन रहते हैं, काम करते करते कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और ये था मेरा छोटा सा वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ।